Now coming to the next question, question number 10 says a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 16 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is, अब आपको बताना है इनमें से total distance कितना cover किया है. So सबसे पहले तो चीज़ ये पता चल गया हमको कि हमें find out करना है distance, और distance हमारा क्या होता है, speed into time. तो speed और time चाहिए, but यहाँ पे दिक्कत क्या है कि speed constant नहीं है. ऐसा नहीं कि 40 किलोमीटर तो वो ही रहेगी, 40 किलोमीटर पर आ ही रहेगी. यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड चेंज हो गई. तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं केस वन की, जिसमें हमें स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पे टाइम कितना लगा है, 15 मिनट, मींस 15 मिनट्स. लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, किलोमीटर पर आवर टाइम कितना है मिनट्स में, सो देयरफॉर कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में. सो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 60 आवर्स, करेक्ट. कैंसिल करना चाहो तो करो, ऐसे ही रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. तो अब यहां से हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस. तो जी डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हो गई 40, तो मल्टीप्लाई कर दो, टाइम है 15 अपॉन 60. अब कट कर ना करने का फायदा क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे इजिली कट हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 टू 10, सो कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर. किसमें, केस वन में 10 किलोमीटर देख के टिक मत कर देना. अब आते हैं केस टू पे, कि अब आगे क्या किया उसने, अब 60 किलोमीटर पर आवर अगले 15 मिनट तक. तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया आपका अगेन 15 मिनट्स, विच इज 15 अपॉन 60 आवर्स. डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये हो गया 60 इंटू 15 अपॉन 60, 60 से 60 पूरा कैंसिल, हमारे पास आ गया 15 किलोमीटर. सो पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर कवर किए, बाद के 15 मिनट में 15 किलोमीटर कवर किए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले 10 किलोमीटर बाद में 15 किलोमीटर, विच इज 25 किलोमीटर. सो देयरफॉर सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.